शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो हमारा बिजनेस है ना बेटा, वो बिजनेस बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड होता है। किसके साथ कनेक्टेड होता है बेटा? एक तो हमारे बिजनेस के ओनर, ओनर मतलब जो बिजनेस को चला रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं बेटा, मैंने आप लोगों को बोला था दो दिन कोई भी बिजनेस चैनल देखने के लिए, देखा बेटा आप लोगों ने स्टूडेंट्स? यस सर, देखा? सिर्फ परम ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। ओ, हमारे लोग इतने बिजी है जिनको टाइम ही नहीं है बेटा, घर पे 10-15 मिनट का भी टाइम नहीं है। जो बोलो परम के अलावा किसी ने भी नहीं देखा बेटा। स्टूडेंट्स, जो हमारी फील्ड के रिलेटेड हो एटलीस्ट वो देखना जरूरी नहीं, हमारे लिए एडवाइजेबल भी है बेटा। मैंने आपको पहले बोला था कि शायद कुछ पता नहीं चलेगा बेटा, लेकिन एटलीस्ट आप लोग देखते ना बेटा, तो आज का जो टॉपिक है ना वो फटाफट फटाफट रिकॉल हो जाता आप लोगों को। बट ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता रहा था बेटा कि बिजनेस में सबसे पहले होते हैं एक तो ओनर। ओनर मतलब वो लोग जो बिजनेस करते हैं या जिन्होंने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया होता है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो बिजनेस को संभालते हैं। इन दोनों में फर्क क्या बेटा? ओनर और मैनेजमेंट में क्या फर्क स्टूडेंट्स? ओनर और मैनेजमेंट में क्या फर्क? सर, ओनर जो है ना वो बिजनेस पहले बनाता है, फिर मैनेजमेंट वाले लोग उसे संभालते हैं। देखो बेटा क्या होता है, जस्ट सर, ओनर मैनेजमेंट को हायर करता है। यस, देखो क्या होता है बेटा, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, उन छोटे छोटे बिजनेस के अंदर ओनर और मैनेजमेंट एक ही होता है। सपोज करो बेटा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं ओनर हूँ और मैं ही उस बिजनेस को संभाल रहा हूँ, तो मैं ही मैनेजमेंट। लेकिन होता क्या बेटा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे रिलायंस है, टाटा है, मारुति है, डोमिनोज है, इन सभी कंपनीज के अंदर ओनर कौन होते हैं बेटा? जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, जिनके पास उनकी कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, वो उस कंपनी के ओनर होते हैं। और उनका मैनेजमेंट कौन संभालता है? तो रिलायंस का मैनेजमेंट संभालता है अंबानी, वो उनका मैनेजमेंट हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बेटा, वहां पे ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जो हमारे घर के आसपास चलते हैं बेटा, उसका ओनर और मैनेजमेंट एक ही होता है। जो दुकान का मालिक होता है वही उसका ओनर होता है, वही उसका पूरा मैनेजमेंट संभालता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उन सभी कंपनीज के अंदर जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, उनको हम लोग शेयर होल्डर्स या उनको हम लोग ओनर कहते हैं। और वो ओनर, उन ओनर्स में से कुछ लोग पूरा का पूरा बिजनेस संभालते हैं, जिन लोगों को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि रिलायंस के अंदर अगर आपके मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स पड़े तो हम कंपनी के ओनर हैं, लेकिन मैनेजमेंट कौन होगा? तो मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है? अंबानी ग्रुप संभाल रहा है, तो उसका मैनेजमेंट। कंसेप्ट क्लियर बेटा आप लोगों को? स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर बेटा? यस सर। तो स्टूडेंट, एक बिजनेस के साथ कई सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक बिजनेस में ओनर कनेक्टेड होता है, मैनेजमेंट कनेक्टेड होता है, एम्प्लॉइज जो उस पूरे के पूरे बिजनेस को चला रहे हैं वो भी हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, सप्लायर्स जो हम लोगों को रॉ मटेरियल दे रहे हैं, अगर वो रॉ मटेरियल नहीं देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, उनके साथ भी हमारा बिजनेस कनेक्टेड है। कस्टमर्स जो हमारा गुड्स वगैरह ले रहे हैं बेटा, जो हमारा सामान ले रहे हैं, वो गुड्स नहीं लेंगे तो हमारा सामान कौन लेगा? कस्टमर्स, गवर्नमेंट, जिन्होंने हम लोगों को बिजनेस करने का परमिशन दिया। स्टूडेंट्स, ये सब लोग हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इन सभी लोगों को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं स्टेक होल्डर्स। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इनको? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब वो लोग जिनके बिना बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, या जिनके साथ हमारा पूरा का पूरा बिजनेस कनेक्टेड है, ऐसे लोगों को हम लोग स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो टॉपिक है यूजर्स का। यूजर्स मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के अकाउंट्स हेल्प करते हैं। अब उन यूजर्स में
सबसे पहला कौन आता है बेटा? जो आता है मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट को कई सारे डिसीजन लेने के लिए अकाउंट्स हेल्प करता है। अब मैनेजमेंट को कौन से डिसीजन लेने होते हैं जिनमें उनको अकाउंट्स हेल्प करता है? वो डिसीजन है बिजनेस का एक्सपांशन करना, बिजनेस को क्लोज करना, टैक्सेस पे करना, पैसों को कैसे यूटिलाइज करना है, मतलब जो पैसा हमारे पास आया है उन पैसों को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाना है, ये सारे जो डिसीजंस हैं मैनेजमेंट को ये सारे डिसीजन लेने के लिए अकाउंट्स हेल्प करता है। मतलब अगर हमने अकाउंट्स बनाया है तो उस अकाउंट्स के बेस पे मैनेजमेंट कई सारे डिसीजंस ले सकता है। इनमें से जो भी डिसीजन अगर मैनेजमेंट को लेना हो तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्टूडेंट्स उनको अकाउंट्स चाहिए। तो अगर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हैं, अकाउंट्स उनके पास अवेलेबल हैं, तो मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है वो आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर वन क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर वन क्लियर बेटा सबको? यस सर। पॉइंट नंबर टू आता है शेयर होल्डर्स। बेटा आप लोगों में से किसी की मम्मी, किसी मम्मी पापा के पास, भाई बहन के पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं? यस सर। आपके घर वालों के पास है? और कोई ऐसा जिसके पास शेयर्स हो? यस सर। ईशा, और कोई, और कोई स्टूडेंट्स? यस सर। चलो yes, के पास है, मतलब चार पांच बच्चे हैं या शायद बाकी सब बच्चों के पास होंगे बेटा, तो शायद उनको पता नहीं होगा। जेनिफर आपके पास भी शेयर्स हैं? आपके मम्मी पापा के पास भी? हाँ सर। वेरी गुड। स्टूडेंट्स, शेयर्स क्या होता है बेटा? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत है तो वो कंपनी क्या करती है बेटा? अपने शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करके वो लोग पब्लिक से पैसा लेते हैं। जो जो लोग उस कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं वो उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा वो लोग? उसके कंपनी के शेयर होल्डर। पर हम सपोज करो बेटा आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को समझना, आज मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगा बेटा वो आंसर करेगा। पर हम आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं बेटा, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे। क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि जिस कंपनी के शेयर्स आपके पास पड़े हैं वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है? आपको जानने में इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? परम सुना बेटा मैंने कुछ बोला? सर मेरा नेट इश्यू था सर, फिर से बोलो ना। ओके, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा परम कि अगर आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं तो क्या आपको ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि उस कंपनी, जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है? आपको जाने में इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर होगा। होगा ना? स्टूडेंट्स जो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, उन सभी शेयर होल्डर्स को जिन जिन के पास शेयर्स होते हैं उन्हें ये जानना होता है कि जिस कंपनी के शेयर्स उनके पास है वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है। तो वो प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन उन शेयर होल्डर्स को अकाउंट्स में से मिलती है। स्टूडेंट्स हर कंपनी के अंदर रूल है बेटा, ध्यान से समझना, हर कंपनी के अंदर रूल है। स्टूडेंट्स 31 मार्च के बाद हर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने अकाउंट्स भिजवाती है मेल पे। पहले फिजिकल कॉपी आती थी बेटा, अब उसकी जगह पे मेल आता है ताकि जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के अकाउंट्स को देखें और समझ सकें कि जिस कंपनी में उन्होंने पैसा डाला है वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है। तो शेयर होल्डर्स को अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना है अकाउंट्स उनको हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर टू क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर थ्री पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, चलो आप लोगों में से बेटा वो इंसान, वो बच्चा अपना फोन अनम्यूट करे जिनके घर पे किसी के पास शेयर्स नहीं है। सागर, 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 सागर अपना फोन म्यूट करिए। यस सर।
अगर अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि आपको किसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो आप कौन सी कंपनी के शेयर्स लेना पसंद करेंगे? रिलायंस टाटा. रिलायंस टाटा क्यों? क्यों रिलायंस टाटा बेटा? क्योंकि वो ग्रोइंग कंपनी. यस, तो इनको हम लोग कहते हैं बेटा पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, या जिनको पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है. जो इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन उसने अभी तक इन्वेस्ट किया नहीं है, वो सोच रहा है, तो उसको अगर मेरी कंपनी के बारे में, आज अगर सपोज करो सागर सोच रहा है कि मैं कपिल सर की कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो पहले वो क्या देखेगा कि मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है. भाई ऐसा ना हो कि मेरी कंपनी लॉस कर रही है, सागर ने मेरी कंपनी के शेयर्स ले लिए तो उसका तो पैसा ही डूब जाएगा. तो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब वो होता है वो लोग जो अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. वो लोग ये देखेंगे पहले कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कंपनी का क्या बिजनेस प्लान है, कंपनी कैसे वर्किंग कर रही है, उसके बेस पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें उस कंपनी के शेयर्स परचेस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए. स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर. यस बेटा. सर हमको फिर प्रॉफिट कहाँ से मिलता है हम अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो? देखो बेटा क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कोई शेयर परचेस किया 100 रुपए में, ठीक है बेटा, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आपको दिखा कि वो शेयर हो गया 120 रुपए का, आप 120 रुपए पे उसको बेचोगे, 20 रुपीज आपका प्रॉफिट है. आप 120 पे बेचोगे बेटा तो कोई दूसरा पर्सन होगा जो उसको 120 पे खरीदेगा, वो 120 रुपए उन्होंने आपको दिया, आपने 100 रुपया किसी और को दिया था बेटा, तो बीच का जो 20 रुपया है आपका प्रॉफिट हो जाएगा. सर हर एक शेयर का एक ही रेट होता है? नहीं, हर शेयर का रेट चेंज होता है. और वो सुबह में स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 बजे से लेके दिन में 3:30 बजे तक वर्किंग करता है. इस 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक के वर्किंग में रोज हर शेयर की प्राइस चेंज होती है बेटा. मैंने इसीलिए आप लोगों को स्टूडेंट्स बोला था कि 2 दिन आप लोग जरूर देखना CNBC आवाज या जी बिजनेस, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना बेटा कॉमर्स के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें वहां पे बताते हैं वो लोग, तो जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना बेटा तो वो चीजें आपको रिकॉल होने लगती है, तो वो कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है. तो स्टूडेंट्स किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस कभी भी सेम नहीं होते बेटा, और एवरीडे बेसिस पे एवरी सेकंड बेस पे हर सेकंड के बेस पे उस शेयर का प्राइस चेंज होता रहता है. सर वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है ना? यस बेटा, वो कंपनी के मतलब कई सारी चीजें होती है बेटा जिसके ऊपर शेयर का प्राइस फिक्स होता है. कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट्स हायर किए हुए, मतलब उनके पास कितने प्रोजेक्ट्स अभी हैं, कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं, किस कंपनी से उनको प्रोजेक्ट मिल रहा है, मतलब ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा जो देखनी समझनी पड़ती हैं, जिसके ऊपर से उसकी कंपनी के शेयर का प्राइस फिक्स होता है. तो स्टूडेंट्स हम लोग उस टॉपिक पे आ रहे थे बेटा कि पोटेंशियल शेयर होल्डर, अगर कोई भी पर्सन किसी कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो उस कंपनी के शेयर्स लेना चाहता है, तो सबसे पहले वो उस कंपनी के अकाउंट्स को स्टडी करेगा और उसके बेस पे निर्णय करेगा कि उसको उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं. यस मोक्षा को कोई डाउट है बेटा? मोक्षा, मोक्षा क्या डाउट है बेटा? ओके स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स तक किसी को कोई भी डाउट बेटा? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स एंड पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, 3 पॉइंट्स तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर. सर शेयर हमेशा रिस्क पे लेना लेते हैं ना हम लोग? देखो बेटा शेयर्स में एक कॉन्सेप्ट माना जाता है दुनिया के अंदर, शेयर्स में ऐसा होता है स्टूडेंट्स के 95% लोग नुकसान करते हैं, 5% लोग पैसा कमाते हैं. वो 5% लोग कौन होते हैं बेटा जो पैसा कमाते हैं? जिनके पास नॉलेज होता है. 95% लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है बेटा. वो लोग क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड ने बोला ये शेयर लेना ना इसीलिए ले लिया हमने, मेरे अंकल ने बोला ये शेयर लेना इसीलिए मैंने ले लिया, इसीलिए उनको नुकसान होता है. तो देखो रिस्क तो है बेटा, आप रिस्क कहां नहीं है मुझे ये बताओ टीशा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो बेटा तो क्या उसमें रिस्क नहीं है? है ना बेटा, बिजनेस कर रहे हो उसमें भी तो रिस्क है, नहीं चला तो पैसा चला गया हमारा. तो सेम रिस्क शेयर मार्केट में भी है,
सिर्फ फर्क इतना है बेटा कि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आपके पास उस बिजनेस का नॉलेज होता है, और शेयर मार्केट ऐसा है बेटा कि जिसका नॉलेज आपको पहले लेना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ की पब्लिक कैसी है बेटा, नॉलेज लेती नहीं है, बस इसने बोला तो मैंने ये शेयर्स ले लिए, मेरे फ्रेंड ने बोला इसीलिए मैंने वो शेयर्स ले लिए, ऐसी पब्लिक अपने यहाँ पे है बेटा, इसीलिए ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में नुकसान जाता है। चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट बेटा तीन पॉइंट्स पे? नो सर। ओके स्टूडेंट्स, अब चौथे आते हैं बेटा हमारे क्रेडिटर्स, ध्यान से समझना बेटा। क्रिश फोन अनम्यूट करो बेटा, क्रिश। यस सर। क्रिश मेरे को ना आपसे 5 करोड़ रुपए के रॉ मटेरियल लेने के, आप दोगे मेरे को? सोच समझ के आंसर करना, मेरे को आपसे 5 करोड़ का रॉ मटेरियल चाहिए, आप दोगे मेरे को 5 करोड़ का रॉ मटेरियल? आप 5 करोड़ दोगे तो मैं दे दूंगा। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा 5 करोड़, तो फिर आप दोगे मेरे को? नहीं देंगे, लेकिन क्या करेंगे बेटा, पहले वो मेरा फाइनेंशियल पोजिशन देखेंगे, मेरे अकाउंट्स देखेंगे कि भाई इनके पास इतना पैसा है भी कि नहीं है। मेरे पास पैसा ही नहीं हो, बैंक में बैलेंस पड़ा हो 40,000 रुपए का, और मैं 5 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल मांगूंगा तो कैसे मिलेगा? तो स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं। क्रिश फोन अनम्यूट कर लीजिए बेटा, फोन को म्यूट कर लीजिए। तो मैं आपको बता रहा था बेटा, क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो अगर आप उनसे रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और आप उनको बोल रहे हो कि हम आपको पैसा बाद में देंगे, तो पहले वो आपकी फाइनेंशियल पोजिशन को चेक करेंगे, वो देखेंगे कि आप पे इतनी कैपेसिटी है पैसा देने की, और वो इन्फॉर्मेशन उनको कहां से मिलेगी? अकाउंट्स के ऊपर से। वो हमारा अकाउंट्स डिमांड करेंगे, हम उनको अकाउंट्स देंगे, जिसको वो स्टडी करके डिसाइड करेंगे कि उन्हें हमें रॉ मटेरियल देना है कि नहीं देना है। पॉइंट नंबर 4 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स का? यस सर। पॉइंट नंबर 5 एम्प्लॉइज। हेली कैन यू हियर मी बेटा? हेली हेली आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं बेटा, आपने बाकी सब एम्प्लॉइज के साथ मिलके उस कंपनी को बोला कि हमें बोनस चाहिए, कंपनी ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, आप क्या करोगे? सोच समझ के जवाब देना बेटा। आप सर, हाँ हेली पता नहीं सर। नहीं पता? और कोई बेटा? स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, आपने और बाकी सब लोगों ने बोल के कंपनी को डिमांड किया हमें बोनस चाहिए, कंपनी ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, आप क्या करोगे बेटा? सर कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी का अकाउंट देखेंगे। यस, कंपनी का अकाउंट देखेंगे, भाई कंपनी सच तो बोल रही है ना। पहले हम लोग ये देखेंगे बेटा कि कंपनी ने क्लेम किया, कंपनी बोल रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, पहले अकाउंट तो देखो। तो स्टूडेंट्स, यस मोक्षा बोलिए बेटा। आपका वॉइस स्लो आ रहा है बेटा, शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाकी सब बच्चों को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, करेक्ट टू मै स्टूडेंट्स? बाकी सबको आवाज अच्छे से आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा कि अगर एम्प्लॉइज को भी अपनी कंपनी, जिस कंपनी में वो लोग काम कर रहे हैं, उस कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन उनको अकाउंट्स के ऊपर से मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अकाउंट्स है बेटा, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, शेयर होल्डर्स नहीं, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स नहीं, क्रेडिटर्स नहीं, इवन एम्प्लॉइज के लिए भी ये जो अकाउंट्स होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं। कंपनी अपने अकाउंट से अपने एम्प्लॉइज को दिखा सकती है, मतलब वो दिखा नहीं, कंपनी अपने अकाउंट्स डिक्लेयर करती है। मैंने क्या बोला बेटा, स्टूडेंट्स हर कंपनी का ये रूल होता है कि 31 मार्च के बाद हर कंपनी को अपने अकाउंट्स को पब्लिकली इशू करना पड़ता है। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना बेटा किसी भी कंपनी के, आपको उनके पिछले 5 साल 10 साल के सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे बेटा पिछले 5 10 साल के। तो उनको कंपल्सरी देना पड़ता है बेटा। क्यों कंपल्सरी देना पड़ता है भाई? आज जो शेयर होल्डर्स है बेटा, आज अगर मान लो मेरे पास टाटा कंपनी के शेयर्स है, तो मैं क्या टाटा कंपनी के मालिक को, रतन टाटा को फोन करूंगा कि सर मेरे को अकाउंट भिजवाओ, मेरे पास आपकी कंपनी के शेयर्स हैं? वो
वो लोग अपने सारे अकाउंट्स नेट पे रख देते हैं, गूगल पे रख देते हैं बेटा, जहां से जिसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। क्लियर बेटा? वेरी गुड क्वेश्चन क्रिश। यस बेटा, और किसी को कोई डाउट? स्टूडेंट्स और किसी को कोई डाउट पॉइंट नंबर 5 तक? पक्का? तो मैं आगे बढ़ू पॉइंट नंबर 6 पे बेटा। स्टूडेंट्स, टैक्स अथॉरिटीज, मैंने आप लोगों को बताया बेटा। यस सर, अगर एम्प्लॉइज को अकाउंट झूठा बता दे तो? देखो बेटा, कंपनी जो भी अपने अकाउंट्स गूगल पे रखती है ना बेटा, वो कभी फेक नहीं हो सकते। पहली चीज, वो अकाउंट्स सारे के सारे वेरीफाइड होते हैं, और उनको वेरीफाई कौन करता है बेटा? सीए करता है। हमारे इंडिया में बेटा सीए को सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्ट दी जाती है कंपनीज के अंदर, क्योंकि कंपनी के जो भी कंपनी ने अकाउंट्स लिखे हैं उनको वेरीफाई करने का अधिकार हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सीए को दिया गया है बेटा। तो सीए पहले उन सभी अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद उसको बेटा पब्लिकली डिक्लेयर किया जाता है। तो इसका मतलब वो जो अकाउंट्स है वो फेक नहीं है बेटा, वो सारे अकाउंट्स है। ओके एली? ओके सर। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, टैक्स अथॉरिटीज। ये हितांशी, कैन यू हियर मी बेटा? हितांशी, हितांशी मैंने बताया हुआ बेटा कि हमको एज अ बिजनेसमैन दो टैक्स भरने होते हैं। कौन से दो टैक्स लगते हैं बेटा? एक इनकम टैक्स, और दूसरा कौन सा टैक्स था? हितांशी आवाज नहीं आ रही अच्छे से, दूसरा कौन सा टैक्स था बेटा? मुझे आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। ऐशा, ऐशा आप बोलिए बेटा। ऐशा, कौन से दो टैक्स हमको भरने होते हैं बेटा एज अ बिजनेसमैन? सर, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। यस बेटा। स्टूडेंट्स, जीएसटी हम लोगों को पे करना होता है सेल्स के ऊपर, और इनकम टैक्स हमको पे करना होता है प्रॉफिट के ऊपर। तो ये दोनों टैक्सेस पे करने के लिए इंफॉर्मेशन सेल्स और प्रॉफिट की चाहिए। जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स हम लोगों को कहां से मिलती है बेटा? हमको मिलती है अकाउंट्स के ऊपर से। नो प्रॉब्लम हितांशी। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स टैक्स अथॉरिटीज मतलब हमारे इंडिया की जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, जो हमारे बिजनेस से टैक्स वसूल करते हैं, अगर उनको भी हमारे बिजनेस का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन उनको हमारे अकाउंट्स में से मिल जाता है। अकाउंट्स के ऊपर से उन्हें पता चल जाता है कि हमारा कितना सेल्स है, तो वो हमको बोलते हैं कि भाई आपका इतना सेल्स है तो आपको इतनी जीएसटी भरनी है। अकाउंट्स के ऊपर से उन्हें पता चल जाता है कि हमारा कितना प्रॉफिट है, उसके ऊपर से उन्हें पता चल जाता है कि हमें कितना इनकम टैक्स पे करना है। क्लियर हूं बेटा मैं स्टूडेंट्स? 6 के 6 पॉइंट्स तक? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये बोर्ड को पूरा नोट डाउन करो बेटा, तो हम लोग पॉइंट नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे फटाफट। स्टूडेंट्स, नोट डाउन करते करते ये भी देख लेना बेटा, कोई पॉइंट पे डाउट हो तो पूछ लेना मेरे को। यस मोक्षा, बोलिए बेटा। सर, फोर्थ और सिक्स्थ पॉइंट हम डन। फोर्थ पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे हम लोग गुड्स खरीदते हैं बेटा, रॉ मटेरियल लेते हैं। आज बेटा मैं आपसे 5 करोड़ का रॉ मटेरियल लूं, और मैं आपको बोलूं कि मैं 1 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो पहले आप मेरी पोजीशन तो देखोगे ना बेटा कि मैं 5 करोड़ रुपए आपको दे सकता हूं कि नहीं दे सकता। तो जो हमारे सप्लायर्स हैं बेटा, अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन उनको अकाउंट के ऊपर से मिल जाती है। 6th नंबर है बेटा टैक्स अथॉरिटीज। एज अ बिजनेसमैन हमें दो टैक्स भरने होते हैं, एक सेल्स के ऊपर जीएसटी, दूसरा प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स। हमको गवर्नमेंट को हमारे अकाउंट सबमिट करने होते हैं, जिसके ऊपर से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कितना जीएसटी और कितना इनकम टैक्स पे करना है। क्लियर बेटा?
ओके बेटा ओके सर। यस बेटा। सर वो फर्स्ट पॉइंट में मैनेजमेंट के नीचे क्या लिखा है? एक्सपेंशन बेटा, एक्सपेंशन क्लोज, टैक्सेस कितनी पे करनी है, पैसों को कैसे यूटिलाइज करना है। सर। यस बेटा। सर गूगल पर हमको छोटी से छोटी दुकान के भी अकाउंट्स मिल जाते हैं? नहीं बेटा, सिर्फ कंपनीज के, क्योंकि छोटे शॉपकीपर्स क्या करते हैं बेटा, कभी भी वो रखते नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि उनमें तो क्या होता है, देखो आज मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ बेटा, मैं कोई किराने की ग्रोसरी की छोटी सी दुकान चला रहा हूँ बेटा, तो उससे किसी का तो कोई लेना देना है ही नहीं ना बेटा, क्योंकि कोई बाहर का तो कोई इंसान मेरे वहां पे पैसा लगा ही नहीं रहा। ये किसके लिए होता है बेटा, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनमें लोग पैसा डालते हैं बेटा, आज समझो बेटा रिलायंस कंपनी में लाखों लोगों ने पैसा डाला है बेटा, इसका मतलब लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ है वहां पे, इसलिए कंपनी को अपने अकाउंट्स वहां पे पब्लिकली डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ताकि लाखों लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए बेटा। अब जो छोटा ग्रोसरी वाला है उसका तो लाखों लोगों से कोई रिलेशन ही नहीं है, लाखों से क्या, उसका तो 100 लोगों से भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि उसकी फॉर्म में 100 लोगों ने भी पैसा नहीं डाला। तो जहां पे पब्लिक का पैसा आ जाता ना बेटा, तो वहां पे हर एक इंफॉर्मेशन को गूगलाइज करना, मतलब पब्लिकली डिक्लेयर करना जरूरी हो जाता। क्लियर हूं बेटा मैं? यस सर। स्टूडेंट्स नोट डाउन हो जाए तो बता देना बेटा। सर। यस बेटा। आज कोई दूसरा लेक्चर नहीं है? नहीं आज एक ही लेक्चर है बेटा। मैंने आप लोगों को बेटा शेड्यूल भेजा हुआ है, अपन बेटा उस शेड्यूल के हिसाब से ही लेक्चर्स अरेंज करेंगे बेटा, तो वो एक बार देख लेना शेड्यूल। सर हमको तो आज बीए की लिंक आई है 4:30 के लिए। यस सर। हाँ एक मिनट बेटा, 4:30 है बीए का लेक्चर, एक सेकंड मैं भेजता हूँ बेटा आप लोगों को ना बीए की लिंक। सर वो ग्रुप में नहीं आई थी। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, वो मिस्टेक हो गई है, सर ने पता नहीं कि उसमें ग्रुप में वाले ग्रुप में डाला नहीं, रुको मैं डाल देता हूँ बेटा, डोंट वरी। ओके थैंक यू सर। हाँ बेटा 4:30 बजे बीए का लेक्चर है बेटा। बेटा नोट डाउन हो जाए तो बता देना बच्चों, तो आगे बढ़े। सर हो गया नोट डाउन सबका? हो गया बेटा? यस सर। यस सर।
बेटा सबका नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 7 इज कस्टमर। यस। अगर बेटा कस्टमर्स को भी आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा, कभी कभी क्या होता है बेटा, पॉइंट नंबर 7 इज कस्टमर्स। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ चीजों के अंदर ना क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मेडिसिन है बेटा, वैक्सीन है, उन चीजों के अंदर ना क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हो बेटा, आप लोग पैसा पे करते हो, तो सामने पैसों के सामने सर्विस फैसिलिटी मिलना जरूरी है। तो कौन सी कंपनी कितना पैसा अपना इन कस्टमर्स की सर्विस के लिए दे रही है, अगर वो इंफॉर्मेशन कस्टमर को चाहिए वो अकाउंट्स के ऊपर से मिल जाती है। स्टूडेंट्स आपके घर के आसपास में कोई भी गार्डन है बेटा? यस यस सर। हर एक गार्डन के बाहर बेटा आपको एक ही स्टोर दिखेगा, कौन सा स्टोर दिखता है बेटा आप लोगों को हर गार्डन के बाहर? अमूल। अमूल। हर एक गार्डन के बाहर अमूल का स्टोर है, पता है क्यों बेटा? रीजन पता है? एनीवन नोस रीजन ऑफ इट? नो सर। सुबह लोग वॉक करने आते हैं, फिर दूध लेके चले जाते हैं वहीं से। स्टूडेंट्स आज से 20 साल पहले, मतलब जब आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब अहमदाबाद के गार्डन्स की हालत इतनी खराब थी कि कोई जाता ही नहीं था। फिर गुजरात गवर्नमेंट और अमूल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। वो अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, अमूल ने गुजरात गवर्नमेंट को ये कमिटमेंट किया कि सारे गार्डन्स को मैनेज करना मेरा काम, उनको मेंटेन करना मेरा काम, सिर्फ उसके बदले में आप मुझे ये परमिशन देंगे कि उस गार्डन के बाद स्टोर मेरा होगा। इससे क्या हुआ बेटा, गुजरात गवर्नमेंट का बेनिफिट हो गया, उनको इतने सारे गार्डन्स को मेंटेन करने का खर्चा होता था वो बच गया। अमूल वाले का दो चीजें हो गया। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं बेटा, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर कंपनी को पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। जैसे कोई कंपनी सस्ते रेट पे स्कूल चलाती है, फ्री में स्कूल चलाती है, जैसे अपने अपने अहमदाबाद में अदानी वाले का स्कूल है जहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है। ऐसी कोई ऐसी कंपनी होती है जो अपने कॉलेजेस चलाती है, ऐसी कोई कंपनी होती है जो अपनी हॉस्पिटल चलाती है। तो अमूल वाले ने बोला कि मुझे अगर कुछ सोसाइटी के लिए करना है तो मैं ये सोसाइटी के लिए करने को तैयार हूँ कि मैं जितने भी गार्डन्स हैं ना उन गार्डन्स को मैं मैनेज करूंगा, सिर्फ आप उसके बाद एक स्टोर की परमिशन मुझे दे दीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ये देखना है कि एज अ कस्टमर मुझे ये देखना है कि अमूल क्वालिटी के पीछे कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, अकाउंट्स के ऊपर से पता चल जाएगा। वो ये गार्डन्स को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, अकाउंट्स के ऊपर से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स एज अ कस्टमर हम जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर हमें उस कंपनी के क्वालिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को उनके अकाउंट्स के ऊपर से मिल जाती है। स्टूडेंट्स हर कंपनी के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट होता है। एनीवन नोज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ R&D? R&D किसी को पता है बेटा इसका फुल फॉर्म? स्टूडेंट्स R&D का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर कंपनी क्या करती है बेटा, कोई भी प्रोडक्ट जब बनाती है ना तो पहले उसका रिसर्च होता है बेटा। आज आप लोग सोच रहे होंगे बेटा कि कोरोना को आए हुए इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी वैक्सीन क्यों इतनी डिले हुई, क्यों वैक्सीन इतनी लेट आई एक साल के बाद? क्योंकि क्या होता है बेटा, उसका रिसर्च होता है पहले कि भाई ये वायरस है तो उस वायरस को डेड करने के लिए हमें कौन से केमिकल्स डालने पड़ेंगे जिससे वो वायरस डेड हो जाए, वो रिसर्च होता है। फिर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसको चेक किया जाता है। पहले सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर, फिर ह्यूमंस के ऊपर देखा जाता है कि भाई उनको वैक्सीन लगी, उनको ऑब्जर्व किया जाता है 2-3 महीने तक 4 महीने तक, भाई वैक्सीन लगने के बाद उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। तो हर कंपनी अपने इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे खर्चा करती है। तो एज अ कस्टमर अगर हमें यह पता करना है कि कौन सी कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिसर्च के ऊपर कितना खर्चा कर रही है, वो हमको अकाउंट्स के ऊपर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पॉइंट नंबर 7 क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 8 बेटा, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। यस
देखो बेटा कस्टमर्स, आप किसी भी कंपनी का जब प्रोडक्ट यूज कर रहे हो बेटा, आपको ये पता करना है कि उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट के पीछे कितना खर्चा किया, उसकी क्वालिटी के पीछे कितना खर्चा किया, आप उनके कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर से देख सकते हैं। अकाउंट्स में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा किया है, वो आपको अकाउंट्स के ऊपर से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, देखता हूं कौन उसका मुझे सोच समझ के आंसर करता है। स्टूडेंट्स मारुति कंपनी का नाम सबने सुना है? यस सर। मारुति में दो कंपनी है, पता है बेटा कौन सी दो कंपनी है? मारुति एंड सुजुकी। मारुति एंड सुजुकी। स्टूडेंट्स मारुति इज इंडियन कंपनी एंड सुजुकी इज जापानीज कंपनी। इन दोनों कंपनियों ने आज से लगभग 50 साल पहले एक एग्रीमेंट किया था और उन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। नाउ माय क्वेश्चन इज, जब सुजुकी ने मारुति के साथ एग्रीमेंट किया बेटा, क्यों मारुति के साथ ही एग्रीमेंट किया, क्यों दूसरी कंपनी के साथ नहीं? सर क्योंकि सुजुकी वालों को मारुति में पोटेंशियल देखा होगा। वो कहां से दिखा, कहां से पता चला? अकाउंट्स। स्टूडेंट्स अगर कोई भी फॉरेनर, फॉरेन कंपनीज हमारी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले वो उनके अकाउंट्स देखते हैं, वो देखते हैं कि उस कंपनी में कितना पोटेंशियल है, वो कंपनी कितना आगे बढ़ सकती है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनको उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर कोई फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई फॉरेन के बिजनेसमैन हमारे यहाँ की किसी कंपनी में या कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले वो उसके अकाउंट्स देखेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं। पॉइंट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 9, रेगुलेटरी बॉडीज। स्टूडेंट्स अपने इंडिया के अंदर बेटा ध्यान से समझना, जितनी भी कंपनीज काम करती है ना, उन सभी कंपनीज का एक पप्पा है और वो पप्पा है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक ऐसी अथॉरिटी है बेटा, अगर उन्हें किसी भी कंपनी में प्रॉब्लम दिखा ना बेटा, वो उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके उनके अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। ये उनके पास अथॉरिटी है, ये उनके पास पावर है। तो स्टूडेंट्स अगर इनको भी मतलब सेबी को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उनके बारे में तो सेबी भी उनके सबसे पहले अकाउंट्स चेक करेंगे, उन अकाउंट्स के ऊपर से उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 9 की है बेटा रेगुलेटरी बॉडीज का स्टूडेंट सब लोगों को। yes. मतलब स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये बेटा है रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो भी गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज चल रही हैं, जो गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, अगर उन्हें हमारी कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन उनको अकाउंट्स के ऊपर से मिल जाती है। पॉइंट नंबर 9 क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 10 इज प्रोफेशनल बॉडीज। अपने सीए को फोन किया, अपने सीए को, उनको बोला मेरा टैक्स भर दो, सीए किस बेस पे टैक्स भरेंगे, क्या चाहिए उनको, क्या चाहिए बेटा, किस बेस अकाउंट्स और हां अकाउंट्स चाहिए ना बेटा, अकाउंट्स के बेस पे मैंने मेरे सीए को फोन किया टैक्स भर दो, कितना टैक्स भरना है, मैंने बोला 20,000 टैक्स भरना है, प्रूफ क्या, प्रूफ क्या, मेरे को पहले क्या देने पड़ेंगे उनको, अकाउंट्स देने पड़ेंगे। On the basis of accounts, मेरा CA decide करेगा, देखेगा कि भाई कितना profit हो रहा है, कितना sale हो रहा है, उसके ऊपर से वो मुझे बताएंगे कि कितना tax pay करना है। तो students, professional bodies को अगर कोई भी information चाहिए, तो वो information उनको accounts के ऊपर से मिल जाती है। Point number 10 clear बेटा सबको students? Point number 10 clear बेटा? चलो। Point number 11। किसी को doubt था? Yes मोक्षा बोलिए बेटा। 10 है बेटा प्रोफेशनल बॉडीज। अगर आज मोक्षा को टैक्स पे करना है बेटा, मोक्षा अपने सीए को बोल रही है कि मुझे टैक्स पे करना है, लेकिन पहले आपको अपने सीए को अकाउंट्स देने पड़ेंगे, अकाउंट्स के ऊपर से सीए डिसाइड करेंगे कि आपको कितना टैक्स पे करना है।
तो ये प्रोफेशनल बॉडीज है बेटा, ये जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें भी आपके बिजनेस का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको आपको सबसे पहले अकाउंट सबमिट करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 10 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? थैंक यू। ओके बेटा, पॉइंट नंबर 11 रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट। देखो इस पॉइंट के लिए मैंने आपको बोला था बेटा बिजनेस न्यूज देखने के लिए रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट, पर आपने कौन सा चैनल देखा बेटा दो दिन? सर सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज देखा ना बेटा? कितने बजे देखा था सर? ऑलमोस्ट 11 o'clock। आपने देखा बेटा कोई आके बोल रहा था कि ये शेयर लेना चाहिए? yes, सुना था किसी? yes, sir. है ना? yes, sir. स्टूडेंट्स कल टाइम मिले ना बेटा सुबह में, तो कल आप लोग ये काम करना बेटा कि सीएनबीसी आवाज या जी बिजनेस आप लोग सीएनबीसी आवाज या जी बिजनेस आप लोग चलाना, और आप लोग चला के ये देखना बेटा कि वहां पे कोई ऐसा पर्सन होगा जो बोलेगा कि हाँ आपको ये शेयर्स लेने चाहिए, आपको ये शेयर्स नहीं लेने चाहिए। वो गाइडेंस देते हैं बेटा, वो होते हैं रिसर्चर्स, उनको हम लोग कहते हैं बेटा रिसर्चर्स, जो कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं। उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? रिसर्चर्स को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेटा? सर वो कंपनी के अकाउंट सर्च करके, कंपनी के अकाउंट्स देखेंगे, कंपनी के अकाउंट्स पे से उनको पता चलेगा कि ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जैसा है या नहीं, ये कंपनी के शेयर्स चलेंगे कि नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको कंपनी के अकाउंट्स पे से मिल जाती है। पॉइंट नंबर 11 क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है। गवर्नमेंट को कभी कभी ऐसा लगे ना बेटा कि हम लोग अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है हमारे अकाउंट्स को चेक करने के लिए। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने एक सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये वो इंसान है बेटा जिसके पास इतना पावर है कि वो नरेंद्र मोदी के अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनको सीधा जवाब देना होता है प्रेसिडेंट को बेटा। हमारी कंट्री के अंदर सबसे पावरफुल अगर पर्सन है बेटा तो प्रेसिडेंट है। सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये ऐसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर उन्हें किसी भी कंपनी किसी भी फर्म पे डाउट है वो उनके अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। मतलब इवन गवर्नमेंट को भी आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी कंपनी के बारे में आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट्स के ऊपर से निकाल सकती है। स्टूडेंट्स अगर कहीं पे कोई रेड होती है बेटा, तो रेड के लिए पहले वो क्या करते हैं बेटा, रेड के लिए पहले आपके अकाउंट्स को देखते हैं, पहले वो देखते हैं कि भाई आपने कितना टैक्स भरा हुआ है और आपके पास सामने कितनी प्रॉपर्टीज हैं। जब उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पे लूप है, तब वो आपके घर पे इनकम टैक्स की रेड करने आएंगे। तो गवर्नमेंट को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट को वो इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के ऊपर से मिल जाती है। स्टूडेंट्स 12 के 12 पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा सब लोगों को? यस सर। नोट डाउन कर दो बेटा। नोट डाउन करने के बाद 12 पॉइंट्स देख लो बेटा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए।
बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर एक बार नाइन्थ पॉइंट समझाओ ना। देखो बेटा पॉइंट नंबर नाइन है रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट। देखो क्या होता है ना बेटा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये काम होता है लोगों को बताना, लोगों को गाइडेंस देना कि आप किस कंपनी के शेयर्स बाय करो, किस कंपनी के आपको शेयर्स बाय नहीं करने चाहिए, उनको हम लोग रिसर्चर्स कहते हैं। तो ये जो रिसर्चर्स और एनालिस्ट हैं बेटा उनको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो सारी इंफॉर्मेशन उनको कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर से मिलती है। जब वो कंपनी के अकाउंट्स देखते हैं फिर वो डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी के शेयर्स बाय करने चाहिए और किस कंपनी के शेयर्स बाय नहीं करने चाहिए। क्लियर बेटा? यस सर। और नाइन्थ पॉइंट रेगुलरली बॉडी। देखो बेटा क्या होता है ना कि अपने इंडिया के अंदर सभी कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है जो सभी कंपनीज के ऊपर ध्यान रखती है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर उनको किसी भी कंपनी पे कोई भी डाउट है बेटा तो उनके पास अधिकार है, वो उनके अकाउंट्स को चेक करेंगे और उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अकाउंट्स के ऊपर से ही मिलेगी। तो अगर गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी को उनको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन उनको कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर से मिल जाती है। ओके सर। बेटा नोट डाउन हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा कोई डाउट किसी को? स्टूडेंट्स 12 के 12 पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट? नो। 12 के 12 पॉइंट्स क्लियर बेटा सबको अच्छे से? यस सर। यस। ओके अब स्टूडेंट्स मैं आपको बेटा लिमिटेशंस तक के नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूं। यूजर्स के नोट्स आज या कल आपके ग्रुप में आ जाएंगे बेटा। परसों यहां तक मतलब यूजर्स तक आपको कोई भी डाउट हो बेटा तो आप लोग परसों मुझसे सबसे पहले वो डाउट पूछेंगे। अब हम परसों से क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? यस क्रिश आप बोलिए बेटा। सर वो लिमिटेशन मेरे को आप पर्सनल में सेंड कर सकते हो? मेरे पास नहीं है। मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है बेटा ग्रुप में कल रात। अच्छा ग्रुप में मैं बाद में ज्वाइन हुआ ना इसलिए नहीं मिला। ओके मैं भेज देता हूं आपको, डोंट वरी बेटा मैं भेज देता हूं। ओके तो स्टूडेंट्स अब परसों से हम क्या शुरू करने वाले हैं? सब लोगों को इंग्लिश आती है? यस सर। यस सर। सबको आती है ना? चलो आप याद करो बेटा आपको इंग्लिश में सबसे पहले क्या सिखाया गया था? एबीसीडी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? अल्फाबेट। बिना अल्फाबेट्स के किसी को भी कोई लैंग्वेज आती है बेटा? नो no, नहीं आती no. ना? तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से अकाउंट्स no, को भी समझने के लिए अकाउंट्स को भी समझने के लिए उसके अल्फाबेट्स को समझना पड़ेगा। परसों से हम लोग स्टूडेंट्स फ्राइडे से हम अकाउंट्स के अल्फाबेट्स डिस्कस करेंगे। उसको अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजीज बोला जाता है बेटा, बट कपिल सर उसको अल्फाबेट्स कहते हैं क्योंकि वो समझ में आएंगे ना बेटा तभी हमको अकाउंट्स के आगे के लॉजिक समझ में आएंगे। तो परसों से स्टूडेंट्स हम लोग अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज या कपिल सर की लैंग्वेज में बोले बेटा तो अकाउंट्स के अल्फाबेट्स को हम डिस्कस करना परसों से शुरू करेंगे। परसों तक आपने अब तक जितना भी डिस्कशन किया है हमने उसको रीड आउट करके रखना। परसों पहले उसके डाउट सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों? यस सर। यस सर। तो परसों आप लोगों से सबके साथ मुलाकात होगी सेम टाइम पे, पहले डाउट्स और उसके बाद हमारा नया टॉपिक। टिल देन
बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय बाय.